आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के यंगेस्ट सेलिब्रिटी शेफ और गोयला बटर चिकन के ओनर सारांश गोयला के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सारांश के लाइफस्टाइल के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप सारांश के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सारांश का जन्म 17 फरवरी 1987 को दिल्ली में हुआ और 2023 के हिसाब से वो 36 साल के हैं। बात करें उनकी फैमिली की तो उनके पिता का नाम प्रमोद गोयला है, उनकी माता का नाम पूनम गोयला है और उनकी एक बहन भी है जिसका नाम है सुरभि। बात करें उनके मैरिटल स्टेटस की तो फिलहाल वो अनमैरिड हैं और दिव्या राव को डेट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बटर चिकन और नान कहकर बुलाते हैं और सारांश अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं। बात करें उनकी एजुकेशन की तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग मानव स्थाली स्कूल दिल्ली से की है और सारांश ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट औरंगाबाद से कल्नरी आर्ट्स में बीए किया है। इसके अलावा उन्होंने पैरी जोन एक्टिंग स्टूडियो से एक्टिंग कोर्स भी किया है। बात करें उनके करियर की तो उन्होंने अपने कुकिंग करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में कर दी थी। वो अपने दादाजी के साथ संजीव कपूर का शो खाना खजाना देखा करते और वहाँ से उन्होंने पहली बार जलेबी बनाई। जब वो 18 साल के हुए और उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करियर चुने। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, तब उनके दादाजी ने उनके कुकिंग के टैलेंट को पहचाना और उन्हें शेफ बनने के लिए कहा। तब सारांश ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट औरंगाबाद से कल्नरी आर्ट्स में बीए किया। इसके बाद उन्होंने लीला होटल बेंगलोर में जॉब करना शुरू किया। इस जॉब के लिए उन्हें 12,000 रुपए सैलरी मिलती थी, लेकिन वो अपनी जॉब से खुश नहीं थे। वो संजीव कपूर की तरह कुछ बड़ा करना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने ये जॉब छोड़ दी और उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो अपना केटरिंग बिजनेस शुरू करेंगे जिसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए चाहिए। इसके बाद सारांश ने 2010 में खुद की केटरिंग कंपनी से शेफ खोली, लेकिन ये कंपनी एक साल के अंदर ही बंद हो गई। फिर सारांश मुंबई चले गए और उन्होंने वहाँ एक्टिंग कोर्स किया और सारांश ने फूड के शो महा चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। इस शो के होस्ट संजीव कपूर और माधुरी दीक्षित थे। उन्होंने ये शो जीता और इसके बाद उन्होंने फूड चैनल पर 3 साल तक काम किया। उन्होंने कई कुकिंग शो को होस्ट किया जैसे हेल्दी फ्रिज, रोटी रास्ता और इंडिया। रोटी रास्ता और इंडिया एक ट्रैवलॉग है। इस शो में उन्होंने 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस 100 दिन में तय किया। इस शो के दौरान वो कई गांव गए और वहां के खाने को चखा। साल 2014 में उन्होंने YouTube पर खुद की एक वेब सीरीज शुरू की जिसका नाम था द स्पाइस ट्रैवलर। ये सीरीज भी एक फूड ट्रैवलॉग थी और इस सीरीज में उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के अलग अलग जगह के खाने को चखा। उन्होंने फूड चैनल पर संजीव कपूर के साथ 3 साल तक काम किया, लेकिन उन्हें वो फेम नहीं मिली जो वो चाहते थे और उनकी स्टाइपेंड भी इतनी ज्यादा नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने फूड चैनल छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि वो अपनी बटर चिकन रेसिपी के साथ कुछ बड़ा करना चाहते हैं और उन्होंने इन्फ्लुएंशियल लोग जैसे म्यूजिशियंस, एक्टर्स, कॉमेडियंस को ट्वीट करना शुरू कर दिया कि मेरे घर पर बटर चिकन पार्टी है और अगर आप अच्छा बटर चिकन खाना चाहते हैं तो आप पार्टी में आ सकते हैं। और इसी दौरान साल 2015 में उनका गोयला कोयला बटर चिकन हैशटैग काफी ज्यादा वायरल हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि वो बटर चिकन का बिजनेस करेंगे और उन्होंने अपने घर पर बताया और अपने घर वालों से 10 लाख रुपए का लोन लिया और सारांश ने अपने दोस्त विवेक के साथ मिलकर कोयला बटर चिकन का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने अपने बटर चिकन बिजनेस पर काफी ज्यादा मेहनत की और आज उनके 10 से ज्यादा आउटलेट हैं और उनका ईयरली रेवेन्यू 6 से 7 करोड़ रुपए है। साल 2018 में सारांश को मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया में जज के तौर पर इनवाइट किया गया था और साल 2022 में सारांश ने रोप्सो के साथ मिलकर खुद का एक कुकवेयर ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है डिलीशियस। बात करें उनकी नेटवर्थ की तो उनकी नेटवर्थ 4 से 5 मिलियन डॉलर्स है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।